हटा देंगे। अब अभी करंट का मुद्दा है, हम भी गए थे वहां पे राजीव चौक पे भयंकर पुलिस जाप्ता है, 50 बसों को वहां अरेस्ट कर लिया। जब हमने कहा कि भाई वहां नहीं मुखर्जी नगर आ जाओ, यहाँ सब बैठते हैं, यहाँ पूरा प्रोसेस समझाते हैं। मैं जितेंद्र पैरवाल की बात कर रहा हूँ, माननीय जितेंद्र जी पैरवाल के ये शब्द थे कि हाँ ठीक है हम साथ में रहेंगे, कल बच्चों को टैकल करेंगे, हम दूसरी जगह। रात को ये लाइव आके कहते हैं कि वहाँ हमारी समस्त जिम्मेदारियां होगी, जो बच्चे अरेस्ट हो जाएंगे उनको मैं छुड़ाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे अरेस्ट रहे, हमने पहले दिन 38 बच्चों को छुड़वाया, वहाँ 2 घंटे लेट क्या हो गए, उन्होंने तो कोहराम मचा दिया कि वो कहाँ है वो लीडर जो बन रहे थे। 2 घंटे लेट इसलिए हो गए क्योंकि 38 बच्चों को वहां से छुड़वाया था। आगे बताता हूँ इसमें गिरफ्तारी होती है क्या होता है। एक मिनट शांति, अभी ये बच्चे अरेस्ट है, ये दिख रहा है सबको, ये थाने में बैठे हैं बच्चे सारे, और इनको अरेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। जय हिंद। तो देखो जो इस भड़वे ने हरकत की है ना, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको लग रहा है कि बनाया गया, नहीं ये तो तू मिला नहीं मेरे को उस रात ट्रेन में बैठ गया, नहीं तो साले तेरी गर्दन तोड़ देता मैं। ठीक है भड़वे, साले हम किसी भी कभी भी किसी की माँ बहन पे उंगली नहीं उठाते। तूने उस आंदोलन में मेरी बीवी का कहाँ नाम लिया रे तूने भड़वे, है? अरे अपनी बीवी का नाम लेता ना तो बोले पूजा मैम वाली रात, पूजा मैम के हैं तेरी बीवी का थोड़ी ना हूं, क्या तेरी बीवी का हूं? भड़वे सोचना चाहिए तुझे नाम लेने से पहले। आंदोलन अलग चीज है, परिवार अलग चीज है। तूने मेरे परिवार, आज तूने मेरी बीवी का नाम लिया, कल मेरी माँ का नाम लिया, थोड़ा निचोड़ दूं। संचालक एक क्यों नहीं हुए, ये सब एक जगह हो गए तो 2 एक क्यों नहीं हुए? वो 2 को क्या जा रहा है मिलने में? 2 को कुछ नहीं जा रहा मिलने में। उसका रीजन अभी क्लियर करता हूं मैं कि जिसने अपनी मां का दूध पिया ना वो बताएगा और वापस इस बात का जवाब देगा मेरे को यूट्यूब पे। क्यों एक नहीं हुए उसका मैं अभी खोलता हूं खुलासा, क्योंकि मैं बीजी था, आपको भी पता है। हम वहां पे अंदर गिरफ्तार हो गए तो लोग पीछे से बोलने लगे वो तो खुद गिरफ्तार हो गए। अरे हाँ खुद हो गए बच्चों के लिए। अब कैसे गिरफ्तार हुए थे हम? हमको कहीं से पकड़ा नहीं गया था हम। सबसे पहले आप देखिए इन्होंने बोले 50 बच्चे गिरफ्तार। में जानकारी के लिए बता दूं 97 यानी 97 बच्चों की हमने जमानत दी है कि अगर ये 97 बच्चे दिल्ली में कुछ भी प्रॉब्लम करता है या इनके द्वारा कोई भी हादसा या कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। वो सच हम जंतर मंतर पर मिलेंगे तो बिल्कुल मिले। और आज आवाज पूरी जोर शोर से मीडिया में गई कि हम गिरफ्तार हुए हैं, इतने बच्चे गिरफ्तार हुए हैं। कार में बैठ के तुम गालियां दे रहे हो है ना, और तुम हर बार बोल रहे हो इंदौर फिजिकल एकेडमी की पोल खोलोगे, घंटा पोल खोलोगे। अरे क्या पोल खोलोगे? यस किनो आज 800 बच्चे हैं और मात्र 5,000 फीस है। तुम लोगों की 1.5-2 लाख रुपए रिटर्न की फीस है। तुम क्या कलेक्टर बनाओगे बच्चों को? बेटा राम सिंह यादव पढ़ने से बंदा फौजी बन जाता है। 100 के फिजिकल की तैयारी करो। यस किनो और 100 के फिजिकल की वो तैयारी कराते हैं और रिटर्न की तैयारी नहीं कराती। आपकी फीस सुन के बच्चा डर जाता है। सेकेंड बात, ऑटो वालों को 200 रुपये दोगे, 300 दोगे? अरे अपनी नीचता इतना नीचे मत गिरो। अगर आगे बढ़ना है तो किसी की बुराई मत करो। यस कि नो? यस सर। मुझे मैं मेन तो मुझे नहीं पता था कि आंदोलन कहाँ है। पहला वीडियो डाला जंतर मंतर तो क्यों नहीं पहुंचे जंतर मंतर? मैं चुप बैठा हूं, लोग बोलते हैं जिनका काम है करने दो उनको। कभी एक बाप की औलाद होगी तो आप सही कमेंट करेंगे जो आपको लग रहा कि कौन सही है कौन गलत है। मैं केवल आपके लिए गया था, मेरा लक्ष्य था 2 साल की छूट मिले, भर्ती हो जाए, जो भर्ती रुकी भर्ती हो जाए, नोटिफिकेशन डल जाए। मैं आपके लिए गया था कि ना के मेरे प्रमोशन के लिए। ओए हंसना बोल रहे विदा कर दूंगा। ये इंदौर फिजिकल एकेडमी रियल वीडियो रहता है। भैया फिजिकल टेस्ट हो रहे बोला, हाँ मेडिकल टेस्ट बोला हो रहा है, हाँ रिटर्न बाकी है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले रिटर्न टेस्ट हो। यस सर। गलत बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि मेडिकल टेस्ट हो गया है, रिटर्न टेस्ट बाकी, तभी तो भर्ती आएगी। उसके प्रकार से भर्ती आएगी, फिर उसके बाद में भर्ती आए। लेकिन भर्ती किसके साथ में आए? 2 साल की छूट के साथ। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा सभी भाइयों को कि मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होना चाहिए। चाहे इंडिया
इंडियन आर्मी हो, यस सर, क्या एयरफोर्स हो, नामांतरण होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए सिविल भर्ती होना चाहिए। मैं यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए नहीं आया हूँ, ना एयरफोर्स के लिए आया हूँ, ना नेवी के लिए आया हूँ, मैं आप सही भाइयों के लिए आया हूँ। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, लेकिन आप सभी भाई को फौजी बनना चाहिए।